भाई होता पर खतरनाक हो तो कोर्टिसोल जी बढ़ उसे यहाँ नुकसान बहुत जल्दी अंबानी की उपाधि दे सकती है। अंबानी तक की कुर्सी लेकर के चले हुए हैं दोस्तों, हंस गए हैं दोस्तों। तो तुमको देखनी भाई, इसी को देखा मैंने, मैं गोलू को रोड के मतलब हालत जो है कुछ इस प्रकार के ऐसे है, मतलब धारी आता हूँ इनसे मेरे को पक्का भरोसा है भाई। कितना भयंकर का मलवा रखा भाई, नीचे अभी मकान भी है। जल्दी इसका काम कर रही है यार आप लोग, नदी में पानी का फ्लो बहुत तेज हो रहा है। मैं लेके जाने वाला था ऐसे ही, गोलू बोला था चेंज करा ले। मिलना हुआ भैया, कैसे हो? बढ़िया। और क्या चल रहा है? तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईश्वर विष्णु स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव पोखराड़ से दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों सुबह के 10 बजे, वो भी डायरेक्ट सीधे पोखराड़ से दोस्तों, जहाँ पे भैया अपने प्रधान जी का ये गोदाम है, कमरा है एंड उनकी बाइक भी है एंड साथ में गोलू की बाइक भी है और गोलू भी है और साथ में सफ़ेद वाला नल भी है जिसमें से पानी चल रहा है दोस्तों। तो वहाँ पर से आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बैंक तक का काम है ना पदमपुरी, तो वहाँ पे इसका भी काम है, थोड़ा मेरा भी काम है। अभी बोल तो रहे थे काफ़ी लोग भैया कि आज बैंक बंद रहेगा करके, तो आज विश्वकर्मा दिवस है तो जिस वजह से शायद हो सकता है बंद भी हो सकता है, बट जाएंगे। एटीएम में भी काम है थोड़ा सा दोस्तों, अपनी यूट्यूब की पेमेंट भी निकाल करके लाते हैं दोस्तों, और बाकी साथ में एंट्री हो जाएगी तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे मैंने बोला गोलू ने गाड़ी खड़ी कर रखी है दोस्तों, और वहीं पे गोलू भी खड़ा है, वहीं पे सफ़ेद पाइप भी है जहाँ पे पैर धो रहा है। ये दादी दोस्तों यहाँ पे देखिए कुर्सी लेकर के चले हुए हैं दोस्तों, ये हंस गए हैं दोस्तों, वो दादी ने हंस गई, दादी हंस गई दोस्तों। और ये राहुल कहाँ से आ रहा है? दादी आज क्या बात, नमकीन लेने गया था तू? सिलेंडर बचाने? आज तो तुम्हारे वहाँ इलेक्ट्रिशियन आए हैं शायद। जब भी ना गए भैया यहाँ पे बारिश होती है तो हमारे जो रोड है यहाँ पे बुरासी की जो कच्ची सड़क है तो ये इतनी मतलब ख़राब हो जाती है ना बारिश के टाइम में, पूरा कीचड़ वीचड़। और 2-3 दिन की बारिश में तो यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं आई। तो दोस्तों रोड देखिए दोस्तों काफ़ी ख़राब है। हाँ वही दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप रोड के मतलब हालत जो है कुछ इस प्रकार के हैं काफ़ी। इसको टाइम तो बहुत हो गया है, समय तो इसको बहुत ज़्यादा हो गया, 7-8 साल हो चुके हैं खुदे हुए, लेकिन इसमें डामरीकरण नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही हमारी स्थिति, क्या करें दोस्तों, ऐसे ही चलना पड़ता है हमें, बिछड़ते बिछड़ते कहीं पर फर्क कोई इधर उधर। किसी दिन आइए दोस्तों यहाँ रोड़ी बिछाएंगे दोस्तों, सामने बिछाएंगे दोस्तों, हम हेल्प करेंगे दोस्तों, आइए आप इसको दोस्तों। इसको हम पक्का बनाएंगे दोस्तों, इधर तो हम बैठते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों यहाँ से, आओ दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम लोग ऊपर वाले रास्ते से किस वाले रास्ते से अब जाकर के लेकर के जाने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि कितना रिस्क है भैया यहाँ से जाने के लिए। नदी को छोड़ने के बाद हम लोग ऊपर वाले रास्ते से लेकर के आ रखे हैं, और देखिए कैसे वाले रास्ते से ले जानी है बाइक। इस वाली जो है पुरानी छोटी पुल थी, जो ये बड़ी गाड़ी वाली पुल है ना, ये दोस्तों टूट चुकी है और समझ में नहीं आता कि ये कब सही होगी भैया। तो भाई गवर्नमेंट से यही गुजारिश है भैया हम लोगों की, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ लेकिन गाँव के सभी यहाँ इलाके वाले लोगों की मतलब गुजारिश है गवर्नमेंट से, जल्दी इसका काम करवाइए यार आप लोग। नदी में पानी का फ्लो बहुत तेज़ हो रहा है ना, तो जिस वजह से हम लोगों को इस वाले रास्ते से लेकर के आनी पड़ी है। तो देखिए आप यार नदी ज़्यादा आ रखी है तो मतलब कितना वो करना पड़ रहा है हमको, पानी ज़्यादा है ना, और ये पुल है नहीं यहाँ पे। तो हम लोगों के 2 रास्ते हैं भैया दारी पदमपुरी जाने के लिए, एक पोखराज वाला एक यहाँ वाला। पोखराज में भी नदी ही है, वहाँ पे भी नदी आ रखी है, और यहाँ पे भी भैया ये पुल टूटा हुआ है, यहाँ से भी नदी है। ये ज़रा छोटा पुल है, मतलब जो बाइक वाइक वगैरह है ना वो तो आ जाती है इस जगह से, बट जो बड़ी गाड़ी है वो नहीं जा पाती है यहाँ पर से। भैया यहाँ पे आए हुए थे एटीएम पे, नहीं सॉरी बैंक पे आए थे, एटीएम पे भी आए थे मतलब, तो दोनों अपने काम दूसरा काम तो करवाते हैं एंड बाकी जो अपना बैंक का काम था वो हो गया। बोल रहे थे कि आज बैंक बंद है करके, लेकिन आज बैंक बंद नहीं है, आज भी ओपन है बैंक। मैं लेके जाने वाला था ऐसे ही, गोलू बोला था चेंज करा ले करके, हो गया बट वैसे, अरे ऐसे पेमेंट ऐसे नहीं दिखाते हैं। एटीएम का भी काम हो चुका है ना, जिसमें कि एटीएम ने भैया आज पहली बार मेरे को फटे वाले नोट दिए, एक नोट दिया मतलब वो बैंक के अंदर गया, मैं चेंज कर दिया था उन्होंने, खैर क्योंकि अब करना भी पड़ेगा गैस, क्योंकि वो अपना पैसा है, मेहनत का पैसा है, और फटे हुए नोट हम लेंगे नहीं। चले फिर चल। तो गैस सामने जो पिकअप जा रही है उसमें से आवाज़ आई कि ईश्वर भाई करके, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसमें थे कौन आखिर,
गोलू तेरे हिसाब से कौन हो सकते हैं? हाँ, कौन बता सकता हूँ, मैंने खुद ही ना देखा, मैं कैसे बताऊँ। लग तो ऐसे रहते कि शिलंग के कोई होंगे, फिर कोई लौंडे बनने शायद। अपने नर्दा थे यार, ये पिकअप वाले नर्दा थे यार। ओहो, और क्या बात, कैसे हो? बाप रे, और दादा बढ़िया। ये हाथ में चोट लग गई यार थोड़ा। नर्दा तुम वहाँ से? मैं तुमको देख नहीं पाया, इसी को देखा मैंने। मैं गोलू को बोल रहा था, मैंने कहा यार ये भाई लोग भैया अपने ही हैं कोई। मैंने कहा जरा चल तो जरा देखते हैं साइड में से। और अभी कहाँ से आ रहे हो? मंडी से। राज कल शाम गए थे? ठीक ठीक, बस बढ़िया एकदम। वो कहाँ है? सीमेंट उतारना है, नदी में मिलते हैं। अच्छा अच्छा, किसका है इसमें? वही नदी का है। ठीक ठीक है, हटे। ये थार देखिए, एल्टो देखिए, सारे लोग एक साथ। देखिए भैया, शर्मा बहुत जाते ना, शर्म ज़्यादा है इनको। एंड मेरे को भैया वहाँ से PNB से मतलब ATM से पैसे तो निकालते ना, लेकिन कुछ पैसे की वहाँ ज़रूरत थी, जिसमें कि विक्रम भैया हमेशा मतलब भैया हेल्प आउट करते हैं यार। मतलब ये बंदे धारी में ना ये ऐसे हैं, मतलब धारी आता हो तो इन पर मेरे को पक्का भरोसा है भैया, ये मतलब कुछ ना कुछ कर ही देंगे घर के। तो बहुत बढ़िया, अभी कैसा है, कैसे चल रहा है? आज तो छुट्टी है तुम, क्या बात, छुट्टी के दिन ही मतलब भाई साहब देख रहे हो, ये होते हैं मेहनती बंदे यार भाई, छुट्टी के दिन ही मतलब इसको छोड़ नहीं रहे। दोस्तों हमारे धारी के देखिए पोस्टमैन भैया हमारे, हाय बोलो, कैसे हो दादा? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। ये अपने उमेश दा दोस्तों भैया, ये भी कॉल के ही हैं, ये दादा भी कॉल के भैया, ये पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे कार्यरत है। आज काफी समय के बाद भैया से मिलना हुआ, भैया कैसे हो? बढ़िया भाई, और क्या चल रहा है? क्या चलता है यार, बड़े एकदम। आज तो शायद छुट्टी थी, बता आज नहीं है, पोस्ट ऑफिस में नहीं है छुट्टी आज। ये देखो छुट्टी के दिन भी मतलब वो लगे पड़े हैं, मतलब कितने मेहनती बंदे यार, यही मतलब इसी में वो ज्यादा थोड़ा विक्रम भैया। और क्या यार शर्मा भाई, बहुत ज्यादा रहे हो, बाकी मिलते हैं कैसा? लोगों की बहुत हेल्प करते हो। थैंक यू सो मच यार, बहुत हेल्प, तभी तो यार हेल्प करते हैं यार वो, इसलिए छुट्टी में भी आ जाते हो। मैं जब भी आता हूँ ना, मेरे को कभी जैसे कैश की जरूरत पड़ी या कुछ भी हो पड़े, विक्रम भैया हमेशा मतलब भैया खड़े रहते हैं। मैं बोल भी रहा था अभी, मतलब जब भी धारी आता भैया इन पे भरोसा रहता है मेरे को। गाइस हमारे संजो भैया देखिए लद्दाख गए थे, संजो भैया लद्दाख से गए, हमको वायरल कंटेंट चाहिए, सब मजा लेना चाहते हो यार। और इनकी भी बगल में शॉप है, ये भी काफी हेल्प आउट वाले बंदे हैं हमारे धारी के, मतलब एकदम टॉप लेवल है। जल्दी भी आप पानी पीजिए आराम से। संजुदा आज तो छुट्टी थी आप, मतलब क्या बात, छुट्टी के दिन आज विश्वकर्मा, विश्वकर्मा खरी शायद आज। वैसे देखो बोल लेना छुट्टी है, लेकिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, विश्वकर्मा का मतलब यानी कि जो अपना काम है उसकी पूजा होती है ना। अब आज के दिन अगर ओपन करोगे तो अपने उसको काम को मतलब फिर तो बहुत जल्दी अंबानी की उपाधि मिल सकती है, अंबानी तक की पोस्ट। भैया ये पोखराज को जाने वाली रोड पे कितना भयंकर का मलवा आ रखा है भाई, नीचे अभी मकान भी है उसी के ऊपर से कितना बह करके आ रखा है। ये देखिए बिल्कुल पूरी रोड मतलब भाई खराब हो रखी है। ये देखिए बिल्कुल भाई साहब कितना गिरा हुआ है ऊपर से भाई, होता बड़ा खतरनाक पूरे कॉटेज वाले जी, बट उसे यहाँ नुकसान नहीं तो गोलू यहाँ पर ठीक जा कह रहे हो। गाइस यहाँ पे देखिए आप लोग मतलब कहाँ गया हुआ है भाई, बहुत ही नीचे तक गया हुआ है, वहाँ तक वो नीचे अभी घर है किसी का, और ऊपर कॉटेज बना हुआ है, कॉटेज के लिए भी कितना खतरा है, देखिए किसी भी वक्त तो जा सकता है, मतलब इतना भयंकर हो रखा है बिल्कुल, रिस्क कितना रिस्की हो रखा है ना। ये खराड में मतलब धारी से आगे करीब जो शिशु मंदिर है उससे एक दो मोड़ आगे पोखराड वाली रूट पे इतना हो रखा है, ये दो तीन दिन की जो बारिश हुई उसमें हो रखा है ये सीन। हेलो भैया, हेलो, कहाँ से आ रहे हो धारी से? सारे डैम भरी है। और आज आपको दिखाते हैं हमने यहाँ पे ऐसे खाने की चीज क्या क्या दी ना, ये बचपन की यादें। हाँ, बंदूक क्या है, सब सेम ही है। ये देखिए दोस्तों डिजाइन, देखो डिजाइन यहाँ पे, अब बंदूक का आ गया जैसा, ये थोड़ा सा जरा इसका भी है, बड़ा सा इसका गोलियां हो गई, ट्रिगर हो गया, क्या बनाई है, क्या कारीगरी है, वाह वही तो गया। फिर कारीगर को मैं 1,00,000 नहीं 10,00,000 रुपए दूंगा, क्या बात करता है यार। तो बचपन की यादें आज हमारी ताजा हुई दोस्तों, इस वाली चीज को एक नई आइटम को इसको देख करके। एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप भी लिए मैंने, वो अपने छोटे गोले के लिए, बट वो जेब में रखे हुए हैं, उसको दिखा नहीं सकता हूँ। चॉकलेट छू था भाई, बचपन में होता है चीजें चाट छे रखे,
नाक मुंह फना सब बिक गया था। जितना फना गया सबसे कतईले पसंद में से की बात करना से मुझे डेयरी मिल्क तो ज्यादा पसंद है इसने। मैं कह दिन अगर गाय दूध खवाई दिलाता खवाई दिया अब मैं यश कर बोल देख जैदिन में कहते इतक के घुमन जोल ने पांच गाय लोग में कोई पहचाना मिल रहा आपके ब्लॉग देखते के फिर उन्होंने एक क्या डायरी मिलते वीडियो में मैंने सो फर्स्ट टाइम की बात करना से यार क्योंकि मैं तेल मैजिक आज दिया है तुझे ताको हेलो ऊपर को देखो बाप रे तुम तो नीचे मतलब यार झुक झुक के मतलब है क्या कर रहे हो घास निकाल रहे हो तुम्हारी बात भी सही है यार मटर भी कहीं उपड़ जाएगी है वो भी देखनी चाहिए आज सब ताकि झाड़ बना था तू यो स्टाइल में जो उसकी गाइड ला रहे और यो भाई भाई ये कौन सा तरीका लाया तू आज मैं पहली बार देख रहा हूँ ये स्कीम ऐसा है कि यहाँ से खाते रहेगा तो नमक का स्वाद अनुसार मिलता रहेगा। अरे क्या बात कर रहा है यार यो क्या देख रहे हो आप मैं भाई ये अलग ही तरीके से लेकर के आया ये ककड़ी ककड़ी का भाई तो अच्छा तितोला साइड में मुझे तो ऐसा होने बहुत कोई बात नहीं बंद हो गए चॉकलेट खो मतलब तू ककड़ मिल रहा नहीं मिल रहा ककड़ मुझे मिल रहा चल ठीक से सही से नहीं यार मैं इस टाइप के देख भी ताज्जुब देखिए आप भी अगर कहीं रास्ते में से चलते हुए जाते हो तो इस तरीके की स्कीम अपना सकते हो। वैसे तो क्या है आप लोग सब होशियारी हो गया मतलब कर लोगे कुछ ना कुछ लेकिन अगर नहीं बताओगे तो ये इस टाइप का स्कीम क्यों खाते हैं इसको ककड़ी को। तो दोस्तों बाकी अभी का समय जो हो रहा है यार वो बज रहे हैं करीब शाम के 5:30 तो आने के बाद फिर मैं ब्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू आने को कर नहीं पाया फिर घर में आने के बाद क्या ही दिखाता। और बाकी ना दोस्तों मैं आपको अभी लास्ट में ब्लॉग एंड करने के साथ साथ ही आपको एक अपडेट ये भी देता हूँ इस तरीके की वीडियो आपको चैनल पर और भी देखने को मिलेगी आगे को और भी टास्क इस तरीके के लेकर के आएंगे जिसमें कि ये मैंने ना अभी आप YouTube वाले देख रहे होंगे लेकिन ये मैंने Instagram में किया हुआ था अपनी YouTube की कुछ आधी जनता वहाँ पे भी है तो वहाँ पे बोल रखा था मैंने लेकिन जो YouTube Instagram में नहीं है YouTube पे है तो अब जाकर के उनको भी मतलब YouTube पे ही पूरी अपडेट दूंगा मैं। तो नेक्स्ट वाला जो टास्क है ना दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं इसी में आपको बता देता हूँ जाते जाते आपका जो टास्क है आपने करना क्या है आप सभी लोगों ने भैया ये टास्क रहेगा पूरे एक महीने का 16 अक्टूबर तक का तो एक महीने का पूरा टास्क रहने वाला है। एक महीने के बाद भैया जो विनर बनेगा उसको मेरी तरफ से भैया एक स्मार्ट वॉच भैया गिव अवे की जाएगी तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका गैज है ये एक स्मार्ट वॉच जीतने का। तो आपने करना क्या है आपने भैया वीडियो पर डे की मतलब आज से डेली के व्लॉग देखने फुल वॉच करने एकदम पूरे वीडियो वॉच करने और साथ में लाइक करना है और आपने करने कमेंट तो पूरे एक महीने के कमेंट देखूंगा दोस्तों मैं उनके भैया डेली के मतलब डेली के हर किसी का उसका नाम लिख करके भैया उसके कमेंट डेली के काउंट करूंगा मैं। तो एक महीने में सबसे ज़्यादा कमेंट जिसके होंगे व्यूज के साथ में जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उनमें से दोस्तों टॉप 5 लोग होंगे तो टॉप 5 में जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जैसे अगर एक महीने में किसी के अगर 200 कमेंट हैं तो किसी के 180 हैं किसी के 150 हैं तो जो मतलब सबसे ज़्यादा वाला फिर उससे नीचे तो टॉप 5 लोगों को भैया टॉप 5 लोग उनकी मतलब भैया बनेगी उनमें से मतलब विनर बनेगा एक वही पूरी सिस्टम होगा। तो आप लोगों ने मतलब भाई एक महीने तक का पूरे धड़ाधड़ कमेंट करने हैं डेली के वीडियो में डेली की वीडियो वॉच भी करनी है तो आपके लिए टास्क ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें डेली की वीडियो में आप तो ये टास्क है। एक महीने के बाद जो टास्क होगा कंप्लीट उसमें आपको स्मार्ट वॉच गिफ्ट की जाएगी टॉप 5 में से जो विजेता बनेगा वही पूरी सिस्टम होगा और उसमें से उन 5ों में से भैया जो जीतेगा तो उनको मेरी तरफ से एक स्मार्ट वॉच। तो चलिए ये मैंने अपडेट देनी थी यार दोस्तों ब्लॉग एंड करने के साथ साथ ही ना तो आप लोग भी मतलब इंस्टाग्राम वाले मेरे को काफ़ी पूछ रहे थे नेक्स्ट टास्क कब से स्टार्ट कर रहे हो क्या है करके क्या करना है तो ये बता दिया मैंने वीडियो में। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं बता दूंगा अलग से इंस्टाग्राम वाले जो यूट्यूब में वीडियो में नहीं आते हैं तो आप लोग यूट्यूब वीडियो भी ज़रूर देखें आप जा करके। तो यही था यार कुछ दोस्तों तो चलिए यार इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे एंड दोस्तों और आप सभी से मिलता हूँ मैं फिर से अगली एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि जय उत्तराखंड।